नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कहते हैं जैसे हाथ देखकर भाग्य जाना जा सकता है, उसी तरह नाखून देखकर व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। ऐसे में आज हम जानेंगे कि नाखून देखकर कैसे पता लगाएं कि कोई धनवान होगा या रहेगा गरीबी में, और साथ ही साथ जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आप बनेंगे धनवान या रहेगी गरीबी, नाखून का आकार देगा जानकारी। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से नाखूनों से अपनी आर्थिक स्थिति। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 01204646332 और 01204646327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071, मास चल रहा है माघ का और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है। भरणी नक्षत्र है, योग है शुक्ल और करण है बालक। चलिए तो ये तो था आज का पंचांग। अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या और आज का समय आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। इस समय का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन में आपके मातृ सुख में वृद्धि के संयोग बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कामाराय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। अपनी मेहनत और परिश्रम में किसी भी प्रकार से आप कमी ना करें। चलिए अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए संतान पक्ष से संबंधित परेशानियां आज की दिनचर्या में आपके समक्ष बनी रहने वाली हैं, लेकिन साथ ही साथ कर्ज प्राप्ति के लिए जो भी आप प्रयास कर रहे थे उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल आपके लिए बनती दिखाई देती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री महादेव की पूजा आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। साथ ही साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अपने आवश्यक कामों को पूरा करने में बहुत जल्दीबाजी, बहुत हड़बड़ाहट मत दिखाइए। चलिए अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बौद्धिक कार्यों में आपका मन आज थोड़ा सा कम लगने वाला है। घूमने फिरने मौज मस्ती की तरफ रुझान ज्यादा होगा। विश्लेषण से जुड़े हुए कार्यों में आज आपकी तरफ से कुछ त्रुटियां, कुछ कमियां भी रह सकती हैं, कुछ लापरवाही हो सकती है। तो आज अपने मन को अपने काम पर केंद्रित करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े अनुबंध सोच समझ करके करें तो आपके लिए ज्यादा उत्तम है। चलिए अब जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अप्रत्याशित लाभ प्राप्ति करने की संभावनाएं आज आपके लिए बनी हुई हैं, तो मेहनत से काम करिए। आपको अनएक्सपेक्टेड फायदे होने की स्थिति दिखती है। आपको मालूम नहीं है कि कब कहां से और कितनी मात्रा में धन लाभ आज हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ललाटाक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बिना सोचे समझे बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। अब बारी है सिंह राशि की, जान लेते हैं क्या कह रहे हैं सिंह राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में खर्चों को करते समय यानी व्ययों को करते समय समझ बूझ का प्रयोग करने से धन को व्यर्थ होने से आप बचा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम काल कालाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में क्रोध करने से बचना चाहिए। चलिए तो आप जान लेते हैं कन्या राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं।
कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में ऋतु में हो रहे परिवर्तन और मौसम के प्रभाव के चलते सर्द गर्म से होने वाले रोग व्याधि आपको ज्यादा परेशान कर सकते हैं, आपको शीघ्र प्रभावित कर सकते हैं, तो सावधान रहना आपके लिए ज्यादा हितकारी रहेगा। और आज की दिनचर्या में आप अपने काम में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें, अन्यथा कोई बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने के योग भी आपके साथ बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कृपा निधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को इस दौरान आपको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इससे पहले कि हम कॉलरों के पास जाएं, दर्शकों हम यहाँ पर आपसे अपील करना चाहेंगे कि जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने टीवी के वॉल्यूम बिल्कुल म्यूट रखिएगा ताकि सही तरीके से आपको सुन सके और आचार्य जी भी उन सवालों का जवाब दे सके। और इस वक्त एक कॉलर ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कहाँ से बोल रही हैं आप, अपना नाम बताइए। हेलो मैम, नमस्ते जी। सुधा पूछिए अपना सवाल। सर मेरी जन्म तिथि है 10 अक्टूबर 1994 जी, और ऋषिकेश का जन्म है 8:55 पे। सुबह का है या शाम का? सुबह जी। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहती हूँ, गवर्नमेंट नौकरी है कि नहीं है, आगे मेरा क्या करियर है ये मुझे बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी की स्थिति आपके लिए नहीं बनती है और ये समय जो है आपके लिए पक्ष में तो जरूर है, लेकिन आपकी कुंडली में जो ग्रहों का संयोग बना हुआ है वो बहुत अच्छा नहीं है। लग्न में बृहस्पति के साथ राहु, शुक्र और बुध, ये बहुत अच्छा संयोग नहीं है। जब राहु ने 3 महत्वपूर्ण ग्रहों पर ग्रहण लगा दिया तो ऐसे में आपके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होगा कि आप समय रहते इन दोषों का निदान कर लें। बृहस्पति और शुक्र और बुध जैसे ग्रहों का, शुभ और सात्विक ग्रहों का राहु के साथ पीड़ित होना ये बहुत अच्छा संयोग नहीं होता है, और ख़ासतौर पर जब बुध जो है वो भाग्य स्थान का स्वामी है, शुक्र जो है वो स्वयं लग्नेश है, और बृहस्पति जो है आपके लिए वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, और बृहस्पति और शुक्र इत्यादि का पीड़ित होना ये बहुत अशुभ योग होता है। इस दौरान आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की ज्यादा से ज्यादा पूजा आराधना करें तो आपको फायदा मिलेगा। अब एक कॉलर बूंदी से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लता सैनी जुड़ गई हैं। लता अपना सवाल पूछिए। जी गुरु जी। जी बताइए। जी मेरा जन्मदिन है ये 16 मार्च जी 1979 जी। जन्म का समय है सुबह 3:30 से 4 के बीच जी, और स्थान है बूंदी जी। मैं मतलब जब भी एग्जाम देती हूँ तो दो तीन अंकों से रह जाती हूँ, तो मेरे इसमें सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय नौकरी प्राप्ति के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको मैं हताश नहीं करना चाहता, सरकारी नौकरी का योग आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं बनता है, और सरकारी नौकरी का योग बहुत कम ऐसी कुंडलियां होती हैं जिनकी कुंडली में साफ साफ परिलक्षित होता है कि इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आपकी कुंडली वैसी नहीं है। इससे आपको निराश नहीं होना चाहिए, सरकारी नौकरी नहीं मिलने से आपके लिए जीवन के रास्ते नहीं बंद हो जाते हैं, आपको प्रयास करना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, दूसरे क्षेत्रों से मिल सकता है, दूसरे माध्यम से मिल सकता है, और आज प्राइवेट सेक्टर्स में भी परिस्थितियाँ वैसी ही हैं, पे स्केल वैसी है, तमाम सुविधाएँ वैसी हैं जितनी सरकारी नौकरी में मिलती थी। निर्भर करता है कि आपकी योग्यता कितनी और आप कितनी मेहनत से अपने काम का प्रदर्शन करते हैं, तो आप अपने टैलेंट पर निर्धारित रहें, निर्भर रहें, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आपके लिए भी क्योंकि बृहस्पति की दशा चल रही है तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना सर्वोत्तम हो सकती है। और अभी कॉलर ऋषिकेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं अनिल शर्मा जुड़ गए हैं। अनिल अपना जन्म विवरण दीजिए फिर सवाल पूछिए। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी मैं ऋषिकेश से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 मार्च 1965 जी, और रात को 2 बजे टाइम है, रात को 2 बजे मतलब 27 तारीख रात को खत्म हो गई थी, 28 शुरू होती रात को 2 बजे AM जी जी, और जन्म स्थान है ऋषिकेश जी। पंडित जी मैं बहुत परेशान हूँ, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और बहुत दुख तकलीफ है, क्या होगा आगे, कोई बिजनेस है, नौकरी है, क्या है? जी बिल्कुल, देखिए ये समय आपके लिए वाकई बहुत कष्टकारी है, शनि की महादशा और अंतरदशा है, और शनि दूसरे और तीसरे भाव का स्वामी है, और सबसे बड़ी दुख की बात यह कि शनि तीसरे स्थान में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। हम लोग अक्सर ये बात करते रहते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति के जो जीवन में कुंडली का तीसरा भाव होता है वह संघर्ष और पराक्रम का स्थान होता है, खासतौर पर अगर कोई अशुभ ग्रह, कोई क्रूर ग्रह इन भावों का स्वामी हो जाए
और उस भाव में बैठ जाए जिसके लिए शनि के बारे में कहते हैं स्थान वृद्धि करो शनि, अर्थात जिस स्थान में बैठते हैं उस भाव को, उस प्रभाव के, उस स्थान के जो प्रभाव होते हैं उसमें वो उस स्थान के प्रभाव में वृद्धि कर देते हैं। तो निश्चित ही जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा, इस समय में पाई पाई जुटा पाना आपके लिए बहुत मुश्किल का कार्य होगा। ये भी कह सकता हूँ कि इस समय अपना जो संचित धन होगा या अपनी जो भी बनाई हुई संपत्ति प्रॉपर्टी होगी, घर मकान गाड़ी इत्यादि होगी, उसको भी बेचने की स्थिति आ जाएगी। ये अमूमन इस संयोग का एक लक्षण है, ये जो हम लोग अक्सर लोगों की कुंडलियों में देखते हैं ऐसा जीवन में सामने आता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहला काम करना है कि शनिदेव से संबंधित आप जितने उपाय कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा आप उपाय कर सकते हो, और इसके साथ साथ रोज की दिनचर्या में 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। रोज आपको कुछ समय भगवान शिव की पूजा और हनुमान जी की पूजा के लिए भी निकालना चाहिए। तो हनुमान चालीसा, शिव चालीसा के साथ साथ आप शनि चालीसा का पाठ करें, चीजें ठीक होंगी। समय रहते अगर आप शनि के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके दान इत्यादि कर लेंगे तो आपको लाभ कहीं अच्छा मिल सकता है। और बीकानेर से अब एक कॉलर सीमा हमारे से जुड़ गई हैं। सीमा अपना सवाल पूछिए। हेलो पंडित जी, नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। मेरा जन्म है 9 मई 1990। जी। मेरी एक 12 साल की बच्ची है, मेरे सेकंड चाइल्ड का कब योग है या नहीं है? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म स्थान और समय भी बताएं। मेरा बीकानेर का है और समय पता नहीं। जी देखिए, समय के अभाव में प्रश्न लग्न के माध्यम से जवाब दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है, और आपने धन संकट में ये डाल दिया। आपने सिर्फ एक तो आपके पास अधूरी जानकारी है, अपना विवरण भी पूरा नहीं है, और कभी भी संतान के बारे में एक पक्ष को देख करके उत्तर नहीं दे सकते, और जब देना भी चाहिए तो कुंडलियाँ सही सही होनी चाहिए तब जा करके आप कोई सही जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे में प्रश्न लग्न के माध्यम से शुक्र की महादशा में बुध की अंतरदशा है, शुक्र का संयोग लग्न में मंगल के साथ बन रहा है, तो जहाँ तक दूसरे संतान की बात करें तो चांसेस कहा जा सकता है दूसरी संतान की स्थिति आपके लिए बनती है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य के प्रति सचेत भी रहना होगा। इस दौरान गर्भधारण के दौरान कुछ समस्याएं आ सकती हैं, बच्चे के जन्म में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और मिसकैरेज या अबॉर्शन की स्थिति का भी सामना किया करना पड़ सकता है, इस परिस्थिति से नकारा नहीं जा सकता। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर जानेंगे बाकी बची राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में कोई विकास संबंधी कार्य आपके परिवार के लिए आज आप संपादित कर सकते हैं, जो बहुत बेहतरीन संभावनाएं और बहुत अच्छा भविष्य, सुनहरा भविष्य आपके परिवार के लिए और आपके लिए लेकर के आने वाला है। तो इस काम को जाने मत दीजिएगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भीमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत जल्दीबाजी किसी काम को करने में मत दिखाइए, बहुत सूझबूझ के साथ लोगों के साथ एक बार आप सुझाव करके चिंतन करके ही कोई निर्णय करें। और अब देख लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए वृश्चिक राशि वाले जातक आज क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके मित्रों में वृद्धि के संयोग दिखते हैं, उसके साथ साथ संतान के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए आपकी तरफ से कुछ प्रयास जो पुराने समय में किए जा रहे थे आज उनमें कुछ कमी आ सकती है, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज बहुत अधिक व्याकुल नहीं होना चाहिए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए दांपत्य जीवन के लिए भी सहयोग व मनोविनोद के अवसर लेकर के आ सकता है आज का दिन। तो कुल मिलाकर के आज परिस्थितियां अच्छी होंगी, पारिवारिक स्तर पर भी परिस्थितियां आपके पक्ष में बनते दिखाई देती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मृग पाणि नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कह रहे हैं मकर राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे।
मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में किसी बड़े काम को करने से पहले या पारिवारिक निर्णय लेने से पहले जीवन साथी के साथ सलाह मशवरा कर लेना आपके आजीविका के पक्ष से बहुत ही शुभ होगा। आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, उनका सुझाव आपके लिए कुल मिलाकर के आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम जटाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मन को अशांत होने से रोकना चाहिए। अब बारी है कुंभ राशि की, देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कुंभ राशि वालों के लिए उनके आज के सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी भागदौड़ आज आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ सकती है। अपने कार्य क्षेत्र में आपके प्रति आपके उच्चाधिकारियों की भूमिका आज कुछ संदेहपूर्ण बनी हुई है। जैसा व्यवहार आप उनकी तरफ से उम्मीद कर रहे थे, आपको आशा थी, वैसा आशातीत व्यवहार नहीं मिलेगा या आपके काम को उतना ज्यादा आज सराहना नहीं की जा सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कैलाश वासिनी नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज छोटी छोटी बातों पर क्रोधित होने से बचना चाहिए। अब देख लेते हैं मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। मीन राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में अपने स्वभाव से प्रगतिशील बने रहेंगे। आप अपने अनुभवों का लाभ उठाते हुए आजीविका के क्षेत्र में आ रही बाधाओं में कमी करने में आज आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम कवचिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए। चलिए तो ये तो था 12 राशियों का राशिफल, अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, हम लोग पिछले कुछ दिनों से निरंतर चर्चा करते आ रहे हैं सामुद्रिक शास्त्र पर, अर्थात सामुद्रिक शास्त्र वह शास्त्र है, भविष्य पुराण में इसका वर्णन हमें प्राप्त होता है, जिससे शरीर के कुछ लक्षणों पर आधारित आप अपने या किसी भी व्यक्ति के भविष्य के बारे में घोषणा कर सकते हैं, उस व्यक्ति का भविष्य जान सकते हैं। और इस विज्ञान के बारे में कहते हैं कि स्वयं भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी को इसका ज्ञान दिया था। ये पूरा समुद्र शास्त्र जो है वह उन्होंने उसकी व्याख्या उनको बताई थी, कार्तिकेय जी के समक्ष इसका वर्णन किया था। तो आइए हम लोग नाखूनों से संबंधित किस प्रकार के लक्षण होते हैं इस बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये बहुत एक छोटा विषय नहीं है, एक ही एपिसोड में सारी बातें नहीं जानी जा सकती हैं। आज हम उस क्रम को दोबारा आगे बढ़ा रहे हैं कि नाखूनों पे कुछ ऐसे लक्षण होते हैं या नाखूनों के आकार को देख करके आप ये जान सकते हैं स्वयं अपने बारे में या अपने परिजनों के बारे में कि व्यक्ति धनवान रहने वाला है या जीवन भर वो दरिद्रता और गरीबी अभाव में ही अपना जीवन व्यतीत करने वाला है। नाखूनों को सुंदर और सजा संवार कर रखने की बात यूं ही हमारे संस्कारों में नहीं बताई जाती, इसीलिए कहते हैं कि समय समय पर आपको नाखूनों को काटते रहना चाहिए, वो भद्दे ना दिखें, खराब ना दिखें, गंदे ना दिखें। इसका अर्थ सिर्फ सौंदर्य से नहीं है, इसका अर्थ आपके भविष्य, आपके भाग्य से और सीधे तौर पर आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। नाखूनों का आकार और इसका रंग रूप जो है वह आपकी आर्थिक स्थिति और आपके स्वभाव को भी दर्शाता है। गरुण पुराण में वर्णित समुद्र शास्त्र के अनुसार ऐसा वर्णन मिलता है कि जिसके नाखून पीले रंग के होते हैं वह शारीरिक तौर पर अशक्त होता है, रोगग्रस्त होता है, नपुंसक होता है। आज भी आम व्यवहार में आप देखते हैं कि जब नाखून में पीला लक्षण दिखने लगे तो आम तौर पर लोग कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को पीलिया बीमारी हो गई, जिसे हम जॉन्डिस कहते हैं। और अब जो है जॉन्डिस का स्वरूप आजकल के समय में जो ये इन्फेक्शन से, खासतौर पर पानी के इन्फेक्शन से बीमारी हो रही है, इसका स्वरूप जो है हेपेटाइटिस की तरह से बहुत विभत्स हो गया है। जिस व्यक्ति को एक से ज़्यादा बार जॉन्डिस हो जाए उसको अपना शरीर का ध्यान जरूर रखना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ कहते हैं कि जानलेवा स्थिति कभी भी बन सकती है। तो इस प्रकार से नाखून का पीला लक्षण सीधे तौर पर आपके जीने और मरने से संबंधित होता है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित होता है। इसी तरीके से नाखूनों पर अगर किसी प्रकार के धब्बे हों और नाखून दिखने में अच्छे से ना हो, वो रूखे से हों, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति नहीं कर पाता। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्य ही होती है या सामान्य से कम होती है। नाखून टेढ़े मेढ़े और रेखायुक्त होने से आर्थिक स्थिति प्रतिकूल को दर्शाता है। आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा विपरीत ही बनी रहेगी, आप कष्ट में ही, अभाव में ही अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, संघर्ष करेंगे, थोड़े से पैसे कमाएंगे और बस इतने पैसे कमाएंगे जिससे आपका परिवार और आपकी रोजी रोटी बहुत मुश्किल से चल पाए, धन का संचय आपसे नहीं हो पाएगा।
उत्तम नाखून जो आर्थिक समृद्धि को दर्शाते हैं उनके विषय में भविष्य पुराण में ऐसा कहा गया, ऐसा वर्णन मिलता है कि जिनके नाखूनों पर रेखा और धब्बा रहित जिनके नाखून होते हैं, जिनके नाखून चिकने और लालिमा युक्त होते हैं, आपको हल्के से लालिमा युक्त दिखाई देंगे, पिंकिश दिखाई देंगे, तो वो व्यक्ति बहुत समृद्ध और धनवान होते हैं। नाखूनों का आकार उंगली के पहले पोर के का आधा होना सर्वोत्तम माना गया है। उंगली का ये जो पहला पोर होता है इसका आधा नाखूनों का आकार होना चाहिए। अगर इसके कम है तो भी ये बहुत अशुभ संयोग होता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों के ये नाखून का शेप जो है वो बहुत अजीब सा चिपटा सा दिखाई देता है, सूप के जैसा दिखाई देता है, वो बहुत खराब माना जाता है। सभी उंगलियों में नाखून कछुए की पीठ की तरह उठे हुए होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अगर अंगूठे का नाखून बीच में उठा हुआ है तो यह जीवन भर आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करने का संकेत हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। वहीं पुरुषों के नाखूनों में मांस में अधिक धसे हुए होना, अगर नाखून आपके मांस में अधिक धसे हुए नहीं है पुरुषों के नाखून और नाखून गोल हो तो यह आर्थिक समृद्धि का सूचक होता है। ऐसा व्यक्ति दिनादिन जो है उन्नति करता है, दिनों दिन खूब आगे बढ़ता रहता है। गर्ग संहिता के अनुसार भी जिस स्त्री के नाखून लाल चमकीले चिकने और थोड़ा सा उभार युक्त यानी उठे हुए होते हैं वे बहुत सौभाग्यशाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां निष्ठावान होती हैं और जीवन में सुख सुविधाओं का पूरा पूरा उपभोग कर पाती हैं। नाखून उंगली से कुछ बाहर अगर निकले हुए हों और गुलाबी हों तो ये भी सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। तो इस प्रकार से नाखूनों से हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से ऐसे लक्षण मिलते हैं जिन्हें देख करके आप अपने या अपने निकटस्थ लोगों के भविष्य के भावी जीवन के बारे में बहुत सारी बातें जान सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपको दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।